दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जलंधर छावनी की पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी के दौरान 495 ग्राम अफीम सहित दो व्यक्तियों को काबू किया गया है। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए कैंट थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामपाल ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 180 ग्राम अफीम बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान सपीक अहमद निवासी मलपुर के रूप में हुई है। इसी तरह नलवा रोड टी पॉइंट पर लगाए गए नाके के दौरान बानू हसन निवासी लाल बेगम आजाद नगर बरेली को 150 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अफीम की सप्लाई देने जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पार्टी वालों नाकाबंदियां कराई गई सी जिदे विच एएसए जसवंत सिंह ने अपने सप्लाई डिपो लगे नाकाबंदी की हुई तो पैदल तुरियों के नौजवान को रोक के तलाशी ली तो 180 ग्राम अफीम बरामद हुई जिसने अपना नाम तसीक अहमद पुत्र अफीन अहमद वासी बोता जिला हरेली दसिया तो वो 180 ग्राम अफीम बरामद हुई। ये खिलाफ थाना कार 85 NDP मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह PSI सेवाराम ने मेवाराम ने बाबू हसन पुत्र साक्षत हसन वासी बोटिया जिला बरादरी बरेली को गिरफ्तार करके 150 ग्राम अफीम बरामद की।